सरकार की नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। आइए जानते हैं क्यों आने वाला है देश का मजदूर सड़कों पर। गुरुवार 12 नवंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक बहुप्रचारित प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ नए उपायों की घोषणा की। सबसे पहले उन्होंने कुछ अंक दिखा के कहा कि डूबती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तव में विकास की कगार पर है। विडंबना यह है कि उसके एक दिन पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि इस वित्त वर्ष में जुलाई सितंबर में अर्थव्यवस्था में गिरावट जारी रहेगी। RBI बुलेटिन में कहा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 8.6% तक सिकुड़ जाएगी। पहली तिमाही में हमारी अर्थव्यवस्था विनाशकारी लॉकडाउन के कारण 23% गिरी थी। वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था की बेहतरी की संभावनाओं का दावा करने वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें शायद वो कुछ आंकड़ों को पेश करने में नाकाम रही है। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। 2020 में जीवन यापन करना, भारत में नौकरियाँ, काफ़ी हद तक किसानों, दैनिक वेतन भोगियों, वेतनभोगी व्यक्ति और बिजनेस करने वालों से बनी है। COVID-19 महामारी के कारण 2.1 करोड़ वेतनभोगी रोजगार चले गए। 1.1 करोड़ दिहाड़ी मजदूरों ने अपनी आजीविका खो दी। लेकिन अप्रैल से जुलाई 2020 के बीच खेती में शामिल 1.4 करोड़ तक बढ़ गई। इसका मतलब कि जिन प्रवासियों ने तालाबंदी के दौरान शहरों को छोड़ दिया, वे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कृषि कार्यों में लग गए। जहां लोगों और परिवारों को लॉकडाउन के दौरान कष्ट का सामना करना पड़ा, वहीं कंपनियों ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। सितंबर 2020 में समाप्त होने वाली दूसरी तिमाही में 1897 लिस्टेड कंपनियों ने 1,00,000 करोड़ से अधिक का मुनाफा दिखाया। आम इंसान बेहाल क्यों है? महंगाई की मार सब्जियों का इन्फ्लेशन सितंबर में 36.5% पर पहुंच गया और अक्टूबर में केवल 25.23% तक ही गिरा। आलू की महंगाई दर 107.7% पर पहुंच गई। टमाटर की कीमतों में 99.2% का इजाफा हुआ। कई वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने 2020 में अपनी नौकरियां नहीं खोई, उन्हें वेतन कटौती का सामना करना पड़ा। छोटे व्यवसायी स्थायी रूप से बंद हो गए। महामारी के कारण असमानता बदतर हो गई और सरकार की खराब प्रतिक्रिया ने श्रमिक वर्गों का अपनी बदतर हालत से बाहर निकलना और भी कठिन बना दिया। सरकार का मानना है कि निजीकरण और निगमीकरण अर्थव्यवस्था में सुधार करेगा और भारतीय नागरिकों के लिए उच्च आय उत्पन्न होगी। हालांकि विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों ने इस नीति के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि इससे अधिक नौकरियों का नुकसान होगा। कुल मिलाकर मोदी सरकार नए नए आंकड़े उछालकर अपनी पीठ थपथपाने में लगी है और लोगों को यह जता रही है कि देखो, हम इकोनॉमी की बेहतरी के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, जबकि जनता COVID-19 और लगातार खराब हो रही माली हालत से बेहाल है। इन कारणों की वजह से 10 ट्रेड यूनियनों द्वारा 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। उनकी कुछ मांगे हैं। नंबर 1, सभी गैर आयकरदाता परिवारों के लिए प्रति माह 7,500 रुपए का नगद हस्तांतरण। नंबर 2, सभी जरूरतमंदों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो मुफ्त राशन। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 साल में 200 दिनों का काम बढ़ी हुई मजदूरी पर उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा का विस्तार, शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी का विस्तार, सभी किसान विरोधी कानूनों और मजदूर विरोधी श्रम संहिता को वापस लेना, वित्तीय क्षेत्र सहित सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण को रोकें, रेलवे, आयुध कारखाने, बंदरगाह आदि जैसे सरकारी विनिर्माण उपक्रम और सेवा संस्थाओं का निगमीकरण बंद करें, सरकार और PSU कर्मचारियों की समय से पहले सेवानिवृत्ति पर ड्रैकोनियन सर्कुलर को वापस लेना, सभी को पेंशन प्रदान करें, NPS को खत्म करें और पहले की पेंशन को बहाल करें और आखिर में APS 95 में सुधार करें। अब तक किसानों और ट्रेड यूनियनों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया है। सवाल ये है कि शेष भारत में सरकार की नीतियों पर आखिर कब सवाल उठेंगे।